तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक शानदार रिव्यू लेकर आया हूं, और उस रिव्यू का मेन मकसद यह है कि आजकल आप देख रहे होंगे कि मैट पर जो है घमासान मची हुई है, खिलाड़ी जो है पहलवान वो फेडरेशन के साथ लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है हमें कि कुश्ती जो है डाउनफॉल की तरफ जा रही है, लेकिन इन चीज़ ने हमें एक डिफरेंस ज़रूर बताया कि मिट्टी की कुश्ती में और मैट की कुश्ती में फ़र्क है। तो दोस्तों, ये रिव्यू है दो पहलवानों के बीच हुई कुश्ती का, जिस कुश्ती में थोड़ा सा डिस्प्यूट होता है, लेकिन फिर वो डिस्प्यूट संभल जाता है और सभी दर्शक जो है, चाहे वो टीवी पर कुश्ती को देख रहे हों, जब वहाँ मैदान में खड़े हों, गुरु खलीफा हों, कोचेज हों, दंगल कमेटी हों, सब के सब खुश होकर मतलब हैप्पी एंडिंग जो है होती है इस कुश्ती के रिव्यू में, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये जो कुश्ती हुई है कठुआ जम्मू में हुई है, और बहुत कुश्तियाँ होती है कठुआ जम्मू में, मैंने भी वहाँ पर जाकर खुद कवरेज की है कठुआ जम्मू में। तो जम्मू में महानपुर ये गांव है, यहाँ की दंगल कमेटी है जिन्होंने शानदार दंगल कराया है, और देश के दो उम्दा पहलवान उन्होंने बुलाए हैं, जिनमें से एक है बीनियाबीन जो कि जम्मू के ही पहलवान है, जम्मू कश्मीर के, और दूसरे हैं आजकल नंबर एक जो है पहलवान सिकंदर शेख जो कि महाराष्ट्र के मराठा मानुष पहलवान है। तो दोनों पहलवानों के बीच बड़े फैन फेयर के साथ, बड़े जोश व खरोश के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ के शानदार कुश्ती होगी, हाथ जोड़ी होती है और कुश्ती की शुरुआत होती है। पहलवान एक दूसरे के हाथ मिलाने के बाद एक दूसरे को देखते परखते हैं कि आज किसका दिन है, किसका अच्छा फिटनेस चल रही है, किसका आज मौसम चल रहा है। 5-7 मिनट ऐसे गुजरते हैं, 7वें मिनट में आप देखोगे कि बीनिया सिंगल लेग अटैक लगाते हैं सिकंदर शेख पे, और बड़े शानदार तरीके से जो है सिकंदर शेख उसका बचाव करते हैं। तो यहाँ पर सिकंदर जो है बड़ी फुर्ती से अपना बचाव करते हुए एक बार फिर खड़े होकर बीनिया पहलवान के सामने जाते हैं, और कुश्ती चालू होती है। फिर 4-5 मिनट ऐसे ही रहती है, तो 10-12 मिनट जो है पहलवान जो है, बड़े पहलवान हैं, भारी पहलवान हैं, इनको गर्म होने में लगते हैं। दोस्तों, 15 मिनट में अब दोनों पहलवान गर्म हो चुके हैं, तो सिकंदर लेग अटैक लगाते हैं। तो जैसे ही सिकंदर पैरों में घुसते हैं, बीनिया सखी मारने की कोशिश करते हैं, सफल होता है, संघर्ष होता है, तो दोनों पहलवान जो है पूर्ण फॉर्म में आ चुके हैं, गर्म हो चुके हैं, और एक अटैक भी मार रहे हैं और बचाव भी खूबसूरती से कर रहे हैं। वीडियो के 20वें मिनट में हम देख रहे हैं कि सिकंदर जो है लेग अटैक लगाकर बीनिया को बिठा लेते हैं और उन्हें नीचे दबाने की, लंबा करने की कोशिश करते हैं, और जब वो नहीं हो पाते हैं तो क्रॉस उठाकर फेंकते हैं, और बीनिया पहलवान लेकिन सिर के बल घूम जाते हैं ब्रिज बनाकर। रेफरी मजबूत है, सावधानी से देख रहे हैं, वो कहते हैं कुश्ती नहीं हुई। दोस्तों, 22वें मिनट में सिकंदर फिर एक बार लेग अटैक लगाते हैं, बीनिया को बिठा लेते हैं, और ऊपर से ही वो ईरानी तोड़कर चित करने की कोशिश में है, ईरानी गिरने की कोशिश करते हैं, तो फिर वही एक बार जो होता है क्रॉस फेंकने की पोजीशन में आ जाते हैं सिकंदर शेख, और वो उठाकर क्रॉस फेंकते हैं, लेकिन कुछ नीचे दबते हुए से दिखाई देते हैं, बीनिया उनके ऊपर से घूम जाते हैं और कुश्ती मांगने लगते हैं, लेकिन रेफरी इस बार भी कुश्ती नहीं देते, क्योंकि कुश्ती जो है प्रॉपर चितपट होगी, कंधे लगेंगे तभी दी जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पर जो है डिस्प्यूट हो जाता है, बीनिया कहता भाई सिकंदर शेख की जो है पीठ लग गई है, आसमान देख लिया, जो भी है, जो रेफरी लोग हैं, दंगल कमेटी है, मैदान में आ जाती है, वीडियो आजकल सब देखते हैं, वीडियो देखने की कोशिश होती है, और यही निर्णय होता है कि भाई कुश्ती जो है नहीं हुई है। अपेरेंटली हम लोग भी वीडियो में साफ देख रहे हैं कि कुश्ती नहीं हुई है। थोड़ी देर ऐसे ही होता है, दंगल कमेटी बीनिया से रिक्वेस्ट करती रहती है, और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि जब डिस्प्यूट होता है तो गुरु खलीफा लोग आ जाते हैं, दंगल कमेटी मेंबर आ जाते हैं, और पिछले कई मैंने आपको रिव्यू दिए जिसमें कि कई कई बार पहलवान चला ही जाता है अखाड़े से, कहता भाई मैं नहीं लड़ने आ रहा, लेकिन यहाँ पर बीनिया समझदारी का जो है उदाहरण पेश करते हैं, एक अच्छे पहलवान का उदाहरण पेश करते हैं। मैं बधाई दूंगा पहलवान को कि उन्होंने खेल भावना से होकर इस सब कुश्ती को देखा, और वो डिसाइड करते हैं कि जो है मैदान में वापस आएंगे। तो दंगल कमेटी कहते हैं कि 17 मिनट हो चुके हैं, 3 मिनट कुश्ती बची है, 3 मिनट भैया आप जो है कुश्ती लड़ो, और कुश्ती नहीं होती तो फिर हम पॉइंट्स पर जो है कुश्ती का आर पार करेंगे। और ये बड़ी खुशी की बात है कि मतलब पंजाब, हिमाचल इस एरिया में, जम्मू में
कुश्ती का जो है आर पार लिया जाता है, कुश्ती का फैसला लिया जाता है। तो दोस्तों अब जो है 3 मिनट की कुश्ती बची है तो बहुत तेज हो जाती है कुश्ती, बड़ा मजा आता है देखने में। बिनिया पहलवान अटैक मारते हैं तो सिकंदर बचा लेते हैं, सिकंदर अटैक मारते हैं तो बिनिया बचा लेते हैं, अंदर बाहर जाते हैं। लेकिन 3 मिनट बहुत कम समय है बड़े पहलवानों के लिए, और इस प्रकार जो है तय समय की जो कुश्ती है वो समय खत्म होने के बाद बंद कर दी जाती है और पॉइंट पर कुश्ती को शुरू करने का इशारा होता है। तो दोस्तों अब कुश्ती जो है ख़त्म तो हो ही चुकी है, समय तो ख़त्म हो ही चुका है, तो अब पॉइंट्स पर है भाई, एक पॉइंट लेना है ये जो है कुश्ती की जीत को डिसाइड करेगा। तो बिनिया फुर्ती से जो है लैग अटैक पकड़कर सिकंदर को ऑफ बैलेंस करके कोशिश करते हैं पॉइंट लेने की, लेकिन इस हड़बड़ी में वो ज़्यादा नीचे चले जाते हैं और सिकंदर उनको दबा लेते हैं और फुर्ती से उनके पीछे आ जाते हैं, जो कि मैट पर आप देखते हैं कि 2 पॉइंट होता है, और इस तरह जो है सिकंदर शेख कुश्ती जीत जाते हैं। तो दोस्तों बड़ा साधारण सा गेम था, बड़ा मज़ेदार गेम था, और यही मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो डिस्प्यूट यहाँ पर हुआ है कि बिनिया को लगा मैं जीत गया हूँ, प्रोटेस्ट करने का पहलवान को हक है और उन्होंने प्रोटेस्ट किया भी, लेकिन जब गुरु खलीफा समझा रहे हैं, दंगल कमेटी समझा रही है, उनके जो कोचेज़ हैं वीडियो देख करके फैसला ले रहे हैं, तो बिनिया जो फैसला लेते हैं कि मुझे मैदान में वापस आना है, ये बड़ा स्वागत योग्य है, अनुकरणीय है। और जो पहलवान आने वाले पहलवान होंगे नंबर एक पर लड़ेंगे, उनके लिए एक उदाहरण पेश करता है कि आप खेल दिखाइए। हालांकि इस कुश्ती में मैं कहता हूँ बिनिया हार जाते हैं, लेकिन हार कर भी वो जीत गए हैं, और जो हमारे सिकंदर शेख एवरग्रीन पहलवान मराठा मानुस है वो पॉइंट से कुश्ती को जीत जाते हैं। अंत भला सब भला, और एक हैप्पी एंडिंग के साथ कुश्ती होती है, दर्शक खुशी खुशी घर जाते हैं, दंगल कमेटी ने जो महीनों से मेहनत की होती है वो साकार होती है, और एक नए और एक अच्छे दंगल की कल्पना करते हुए सब लोग अपने घर लौट जाते हैं। तो दोस्तों ये था महानपुर गांव जो है कठुआ जम्मू में हुई कुश्ती का एक रिव्यू। दोस्तों ये रिव्यू आपको कैसा लगा, आपके कमेंट्स अवेटेड रहेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके साथ ही मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ, एक और नई वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।